यवतमाल में धानकी के पास सोइट शिवार में एक तेंदुए का शव मिला है। ग्रामीणों ने यह शव मिलते ही वन विभाग को इसकी जानकारी दी। तेंदुए की मौत का कारण अभी तक पता नहीं चल पाया, जबकि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। उमरखेड़ तालुका में धानकी के पास सोइट शिविर में एक तेंदुए का शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। सोइट में देवीदास मागड़े के खेत के पास एक खाई में इस तेंदुए का शव मिला था। गांव में बकरी चराने जा रहे संदीप माघड़े नाम के लड़के ने नाले से आ रही बदबू को देखने गया, तब उसे यह शव दिखा। ग्रामीणों ने इसकी सूचना वन विभाग को दी। वन विभाग ने बताया कि तेंदुए की मौत के कारणों का अभी पता नहीं चला है, लेकिन पोस्टमार्टम के बाद ही जानकारी मिल सकेगी। जंगली जानवर बिबट्या हा आज रोजी आमच्या येथील शेळक्या माघाडे याच्या निदर्शनाला आला नाल्यामध्ये, आणि त्यांनी मग मला त्याचे फोटो वगैरे माझ्या व्हॉट्सअपवर पाठवले आणि लगेच बाकीची मंडळी सर्व गावातले लोक येऊन पाहतात तर तो 3-4 दिवसापासून मेलेला असावा असा एक अंदाज आहे। त्याच्या अंगावर आळ्या वगैरे पडलेल्या आहेत आणि आमच्या सोईटमध्ये तरी त्यांनी कसल्या प्रकारची जीवितहानी किंवा जनावराला काही इजा अशी पोहोचलेली नाही। त्या बाबतीत थोडस जी फॉरेस्ट विभागाची मंडळी आहे ते या ठिकाणी दाखल झालेली आहेतच, थोड्याच वेळात वरिष्ठ अधिकारी सुद्धा येतील, तर त्यांनी या बाबतीत थोडस सहकार्य करावं अशी आमची गावकऱ्यातर्फे त्यांना विनंती आहे। जनाब तकलीफ उठने बैठने की नहीं, तकलीफ बवासीर की है। बवासीर, फिशर, भगंदर, पाइलोनियल साइंस का आयुर्वेद तथा आधुनिक लेजर से उपचार अभ्युदय पाइल्स लेजर हॉस्पिटल, लोहार समाज भवन के पीछे, महापुष्प सोसाइटी, शताब्दी नगर चौक से मनीष नगर रोड, नागपुर। कॉल और विजिट करें www.pilesfistulacure.com।